आकलन आप भी और जनता भी ये करे कि सन 2000 से लेके 2024 कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी राजनीतिक पैदाइश कांग्रेस में हुई और कांग्रेस में टिका रहा। इन 23 में से थोड़ा सा आकलन ये भी करने का प्रयास करना कि कौन व्यक्ति ऐसा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हर 5 साल में पार्टी बदली है, ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी छोड़ के पार्टियों में आए हैं। देखो, कैंडिडेट के अलावा मैं ये समझता हूँ कि लोग विचार बनाएं कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, उसका एक कारण है पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज हरियाणा में रहा है और इस राज से मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। उसकी जो जिस प्रकार की नीतियाँ रही, जिस प्रकार से उन्होंने किसान से लेकर खिलाड़ी, पहलवान से लेकर के हमारे जवान को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे सरपंचों को जिस प्रकार से वो अपमानित कर सकते थे, जिस प्रकार से वो प्रताड़ित कर सकते थे, इस प्रकार की नीतियां बनाई कि रोज़गार के अवसर ख़त्म होते जा रहे हैं। 300 की अपना बात करी, 75 पार का नारा बीजेपी भी लाया करती। वो 75 पार का लगा, वो तो 400 पार का भी लगाया करती थी, तो 240 आए, वो 75 पार लगाया करते थे, 40 टसक के आए। मगर हमारी पार्टी हिम्मत और धैर्य के साथ काम करते हुए लोगों तक पहुंच बना रही है और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप खुद महसूस करोगे कि हम 3/4 बहुमत लेंगे। सेंटर में भी टसक के आए हैं, स्टेट में तो ये तो 10 नहीं क्रॉस करेंगे, आप देखना, समय आने दो। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी सीट बदलते घूम रहे हैं, जगह बदलते घूम रहे हैं बहुत लोग। मुख्यमंत्री जी अगर करनाल से लड़ लें तो ये भी देख लेना आप, वो करनाल छोड़ के भागेंगे। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल अपने खुद के गांव गैबीनगर, तहसील नारनौंद, हल्का नारनौंद, जिला हिसार में आप मौजूद हैं और मात्र 36 दिन बाकी हैं भाई विधानसभा का जो चुनाव है, इलेक्शन की जो डेट निश्चित हुई वो 1 अक्टूबर की है। हर पार्टी के हर उम्मीदवार जो भी मतलब भागदौड़ में है, टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, सारे के सारे अपना अपना चुनाव का जो प्रचार और प्रसार पूरा जोर शोर पर, एड्डी तो चोटी का अंगा लह रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर अजय चौधरी जो नारनौंद से हैं, 11 तारीख ने रैली भी करी, कुमारी शैलजा आई और लोगों में भी 2-4 सवाल लोगों के बीच तो जो लिकट गए वो भी डॉक्टर साहब को पूछांगे। फिलहाल हर गांव में जाकर चाय पानी के जो प्रोग्राम उन प्रोग्राम में डॉक्टर साहब पहुँचने लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम जी आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। 8 तारीख ने बातचीत हुई थी, 11 ने आपकी रैली थी, रैली के वो रैला हुआ और जिस तरीके से जैसे ही मतलब कुमारी शैलजा ने आपका सिर पर हाथ रखा उस रैली में भीड़ तो थी, लेकिन जो 23 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं वो भी मतलब टिकट की दौड़ में हैं, उनमें खलबली ही मच गई। देखो, सिर पर हाथ तो उनका हमेशा से रहा है, हमेशा से उन्होंने राजनीतिक जीवन में मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया है और खलबली किसी को क्यों मचे। हर आदमी अपना प्रयास करे, पार्टी फैसला करेगी, जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा उसके ऊपर पार्टी मोहर लगाएगी, बाकी सब लोग साथ देंगे, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनेगी, लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी, कोई चिंता ना करे। सबकी नीयत नीति नेता एक है, राहुल गांधी हमारा नेता है, पार्टी हमारी कांग्रेस है, सबकी इच्छा एक है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज आए। डॉक्टर साहब 23 उम्मीदवार हैं, उनमें 5-6 वो हैं जिन्हें लोग अच्छे तरीके से जाना है, जिनकी भागदौड़ अच्छी रही है। देखो 23 हैं तो कहीं ना कहीं मतलब सोच तो सबकी बराबर नहीं पाओगी, एक दूसरे पर तंज तो कसेंगे। एक उम्मीदवार का बयान यूँ आया कि मतलब किसी ने पूछ लिया कि उनके सिर पर हाथ रख दिया, कुमारी शैलजा ने टिकट देनी है तो टिकट अजय चौधरी की पक्की होगी, उन्होंने कहा कि सिर पर हाथ रखना था, टिकट पक्की नहीं होया कर दी। हर आदमी को अधिकार है कि किसी भी मुद्दे पे किसी भी प्रकार की सोच रख सकता है जी, तो वो उनका अधिकार है। एक ने ये कहा कि एक आदमी 20 साल बाद चुनाव मैदान में आवे है और एक आदमी पिछले 5-10 साल तक डोर टू डोर एक एक घर में गांव में मतलब सुख में दुख में लगातार आंडन लग रहा है, तो मतलब फिर टिकट आंडन वाले ने क्यों नहीं? ये फैसला तो पार्टी करती है, जो पार्टी को सबसे जिताऊ टिकाऊ मजबूत अपने हिसाब से समर्पित दिखाई देता है उसका फैसला कर देती है, उसमें किसी को क्या बुराई बुरा मानना है, किसी का भी फैसला करेगी, हम तो स्वीकार करेंगे उस फैसले को। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, मान लो आपने अगर आपने टिकट नहीं मिल दी तो किसी ने भी अगर इन 23 में तक कांग्रेस का जो उम्मीदवार उसने टिकट मिला आप समर्थन करोगे? 100% समर्थन करूँगा। थोड़ा सा आकलन आप भी और जनता भी ये करे
कि सन 2000 से लेके 2024 कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी राजनीतिक पैदाइश कांग्रेस में हुई और कांग्रेस में टिका रहा। इन 23 में से थोड़ा सा आकलन ये भी करने का प्रयास करना कि कौन व्यक्ति ऐसा है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हर 5 साल में पार्टी बदली है, ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी छोड़ के पार्टियों में आए हैं, ये सब जनता ने फैसला करना है, पार्टी के नेतृत्व ने फैसला करना है। जो फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा, मैं तो कम से कम खुले मन से उसको स्वीकारूंगा। आपका सीधा सीधा कहने का मतलब सिर्फ यू है कि न्यू देखना पड़ेगा कांग्रेस पर भरोसा किसने कराया है, 5 साल में बदले कितने हैं और लगातार टिके कौन रहे हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैं तो जनता को आकलन करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। ईव किस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, डोर टू डोर हैं या गांव में एक प्रोग्राम? नहीं, डोर टू डोर मैं ख़त्म कर चुका हूं, गांव में अलग अलग अपने मित्र साथियों के साथ मिल करके, और ये कोशिश करना कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, लोगों को लगातार कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराना, कांग्रेस का नेतृत्व क्या चाहता है और क्या हमारे संकल्प रहेंगे, क्या हरियाणा में कांग्रेस करना चाहती है, इन सब बातों के बारे में अवगत कराने के लिए मेरा प्रयास जारी है। नारायण हल्के की जो विधानसभा की सीट वो इन वोटरों का हाथ में है, जितने 56-57 अपने गांव हैं हल्के के अंदर, तो मतलब वो वोटर किस तरीके का कैंडिडेट पर भरोसा करें, मतलब के उसकी खूबी होनी चाहिए, के उसकी मानसिकता होनी चाहिए, किस तरीके के उसके सोच विचार होने चाहिए, किस तरीके का मतलब वो अपना मन बनाओ कि हम किस कैंडिडेट की तरफ जाऊँ? देखो, कैंडिडेट के अलावा मैं ये समझता हूँ कि लोग विचार बनाएं कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, उसका एक कारण है पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज हरियाणा में रहा है और इस राज से मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। उसकी जो जिस प्रकार की नीतियाँ रही, जिस प्रकार से उन्होंने किसान से लेकर खिलाड़ी, पहलवान से लेकर के हमारे जवान को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे सरपंचों को जिस प्रकार से वो अपमानित कर सकते थे, जिस प्रकार से वो प्रताड़ित कर सकते थे, इस प्रकार की नीतियां बनाई कि रोज़गार के अवसर ख़त्म होते जा रहे हैं, इन सब को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा की जनता भावनात्मक रूप से ये मान चुकी है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करके हरियाणा में कांग्रेस का स्थापित करना है, ताकि जो उम्मीदें पिछले 10 साल से वो पाले हुए थे, जो उम्मीदें वो लगाए हुए थे और जो उम्मीदें उनकी ध्वस्त की इस सरकार ने, और जिस प्रकार का अहंकार इस सरकार ने बना करके रखा 10 के 10 साल, हमारे किसानों के साथ जैसे 13 महीने उन बेचारों को दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके, हालांकि उनकी एकता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एकता बनाए रखी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया, इसी प्रकार से हमारे सरपंचों ने भी पूरी लड़ाई लड़ी और जिस प्रकार के मुद्दे वो चाहते थे कि भाई हमारी जो है ग्रांट का सिस्टम बढ़े, वो सब चीज़ें सरकार ने मानी, हालांकि बहुत लेट मानी, जिसका कोई लंबा चौड़ा फ़ायदा ना हरियाणा की जनता को हुआ, ना हरियाणा के एम्प्लॉय को हुआ, ना हरियाणा के सरपंचों को हुआ। तो मैं ये समझता हूँ सोच केवल एक कि हरियाणा में कांग्रेस का राज स्थापित हो और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो, बहुत अच्छे मेजॉरिटी के साथ 3/4 बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस का राज बने, ताकि सरकार मजबूती से पूरे 5 साल चले और लोगों की जो उम्मीदें लोग रखे बैठे हैं उनको पूरा कर पाए। 3/4 की आपने बात करी, 75 पार का नारा बीजेपी भी लाया करती, वो 75 पार का लगा, वो तो 400 पार का भी लगाया करती थी, तो 240 आए, वो 75 पार लगाया करते थे, 40 टसक के आए, मगर हमारी पार्टी हिम्मत और धैर्य के साथ काम करते हुए लोगों तक पहुंच बना रही है और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप खुद महसूस करोगे कि हम 3/4 बहुमत लेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का जो एक फेरबदल कांग्रेस ने कराया, बराबर की सीट भी ली और खासकर इस हर लोकसभा की आप बात करा, इसके अंदर में 7-8 विधानसभा हैं, तो आप मानो कि उससे तरीके का बदलाव या उससे ज़्यादा कुछ कंपैरिजन करो? नहीं, उससे ज़्यादा तीव्र गति से जो है कांग्रेस मजबूती, दिन प्रतिदिन कांग्रेस को मजबूती मिल रही है और उस टाइम तो हमें सिर्फ 50% सीट मिली थी, अब तो मैं 3/4 की बात कर रहा हूँ। और आप देखोगे आज सट्टा मार्केट, हालांकि देखो मुझे पता नहीं है, तो हम रोज़ मोबाइल में देखते हैं कि आज सट्टा मार्केट 59 दिखा रही है, 60 दिखा रही है, अभी सिर्फ डेट का ऐलान हुआ है, जिस दिन टिकटों का ऐलान होगा, जिस दिन नॉमिनेशन भरे जाएंगे उस दिन से लेकर के और जिस दिन आपकी गिनती होगी, आप खुद देखो कि ये रोज़ का आंकड़ा बढ़ता जाएगा और 75 हम टच करेंगे, 3/4 आप देख लो कितने में बनता है, ठीक है, उस हिसाब से हम ज़रूर ब ज़रूर 3/4 बहुमत लेंगे।
खासकर हरियाणा की आप बात करें, बीजेपी एक बात कहोगे सेंटर में तीसरी बार है तो हरियाणा में भी तीसरी बार पक्की है। सेंटर में भी टसक के आए हैं, स्टेट में तो ये तो 10 नहीं क्रॉस करेंगे, आप देखना समय आने दो। लोग इंतज़ार कर रहे हैं इनकी, सीट बदलते घूम रहे हैं, जगह बदलते घूम रहे हैं बहुत लोग। मुख्यमंत्री जी अगर करनाल से लड़ लें तो ये भी देख लेना आप, वो करनाल छोड़ के भागेंगे। यह बड़ी भविष्यवाणी है डॉक्टर साहब की, मतलब जिस 10 साल जड़े मुख्यमंत्री जिस सीट पर रहे हैं ओड़े तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सीट छोड़ के भागेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें भविष्य का गर्भ में है, वक्त बताओगा भाई कौन भाजगा कौन नहीं भाजदा, कितनी सीट आऊँगी। लेकिन इनका सीधा सीधा जो अनुमान है वो 75 प्लस का अनुमान है कांग्रेस का हरियाणा में। बाकी या जो जनता है, जनता ने ही फैसला करना है भाई किसको ये चुनेंगे किसको नहीं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी आपने समय दिया। आपने भी आपके जो सोच विचार हैं जो डॉक्टर साहब के साथ बातचीत करी है, अपनी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। आपका अगर कोई सवाल है डॉक्टर साहब से, सवाल है किसी भी उम्मीदवार का सवाल है, क्योंकि इलेक्शन तक यानी वोटिंग के दिन तक हर उम्मीदवार आऊँगे, कोशिश करांगे हर उम्मीदवार से मिलने की। किसी से भी आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट में एक सभ्य तरीका आप जरूर लिखो, वो सवाल उन तक जरूर कराया जाऊंगा। आपका मन में अगर कोई सवाल है, जनता का कोई सवाल है कि किसी उम्मीदवार तक यूँ सवाल कराया जाओ तो वो भी हम जरूर रखेंगे। अपने सोच विचार आपने जरूर देने हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।